बगैर मिट्टी के चिकपीस या गार्बेंजो बीन्स। क्या आप बगैर मिट्टी के चिकपीस या गार्बेंजो बीन्स को लगाना चाहेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं कि आप भी कैसे बगैर मिट्टी के चने, गार्बेंजो बीन्स या चिकपीस को बड़ी आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आप विदाउट सॉइल चने को आसानी से घर पे कैसे लगा सकते हैं और इसके लिए आपको क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी और आपको कौन सा प्रोसीजर इसमें इस्तेमाल करना है, ये आप पूरी डिटेल में आप देखेंगे। सबसे पहले तो आप चने ले लीजिए और इसको अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद इसको दो तीन बार रिंस करिए ताकि इसमें जो डस्ट या दूसरे पार्टिकल लगे हैं वो अच्छी तरीके से साफ हो जाएं। फिर आप एक कंटेनर में इसको करीब 12 घंटे के लिए पानी के साथ गीला होने के लिए रख दीजिए। फिर जब ये 12 घंटे बाद चने जैसे आप इस बास्केट में देख रहे हैं कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, तो ये पूरी तरीके से वेट हो जाएगा और इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा चने का। और फिर आप इसको एक कंटेनर में लेकर ऐसे ही जैसे आप देख रहे हैं रख दीजिए। फिर आप इसको एक कपड़े से ढक के रख दीजिए, तो इसको स्प्राउट होने में करीब 1 से 2 दिन लगेंगे या अराउंड 48 आवर्स लगेगा। और जब इसमें से स्प्राउट होने लगेंगे चने, तो फिर आप इसको जो विदाउट सोइल हम हाइड्रोपोनिक्स में जो बास्केट ली है वहां पर इसको ट्रांसफर कर देंगे और वहां पर ये चने फिर धीरे धीरे ग्रो होते रहेंगे। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या प्रोसेस यूज करना है, या आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो बास्केट में जो चने भिगा के रखे गए थे उसको अब 24 घंटे हो गए हैं, तो अब मैं इस कपड़े को हटा के देखता हूँ कि इसमें स्प्राउटिंग हो रही है कि नहीं। तो जैसे आपको दिख रहा होगा इसमें स्प्राउटिंग शुरू हो गई है चनों में और बस कुछ दिन बाद इसमें नीचे से रूट्स भी निकलने लगेंगी। फिर मैं इसको जो हाइड्रोपोनिक बास्केट है जिसमें कि हम बगैर मिट्टी के या विदाउट सॉइल चने को उगाएंगे वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो आप इसमें बस दिन में 2 बार पानी का स्प्रे करते रहें जिससे इसमें नमी बनी रहेगी, और पानी का स्प्रे करने के बाद आप इसको दोबारा कपड़े से ढक दीजिए। फिर 1 या 2 दिन में इसमें से रूट्स निकलने लगेंगी, फिर हम इसको हाइड्रोपोनिकली जो बास्केट इस्तेमाल करेंगे उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अब बस 1-2 दिन बाद मैं आपको बताऊँगा आगे वीडियो में कि ये आगे इस चने की ग्रोथ बगैर मिट्टी के हाइड्रोपोनिक बास्केट में कैसी होती है। बगैर मिट्टी के चने लगाने के लिए मैंने जो भीगे हुए चने थे उसको मैंने अब हाइड्रोपोनिक बास्केट में ट्रांसफ़र कर दिया है, और इसमें मैंने 2 बास्केट ली है और एक जाली वाली बास्केट है और एक बगैर जाली वाली है। तो इसमें चने रखने से इन दोनों के बीच में गैप रहता है, तो मैं आपको ये गैप बता रहा हूँ, इसमें करीब 1 इंच से ज़्यादा गैप है। और नीचे वाली बास्केट में मैं जब इसकी जड़ें यहाँ से निकलने लगेंगी तो मैं इसमें पानी डाल दूंगा और साथ ही मैं इसमें लिक्विड खाद भी दे दूंगा। फिर ये चने इस हाइड्रोपोनिक बास्केट में आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप भी ऐसा ही कीजिए, 2 बास्केट का चयन कीजिए और चनों में नमी बनाने के लिए आप इसमें स्प्रे करते रहिए, तब तक इसमें आगे ग्रोथ होती रहेगी, इसलिए नमी बहुत ज़रूरी है। तो कुछ दिन बाद देखेंगे आप इसमें से पत्तियां भी उगना शुरू हो जाएंगी, फिर हम इसे कुछ समय के लिए धूप में रख सकते हैं जहां इनकी आगे और ग्रोथ होगी। तो इस चिकपीस या गार्बेंजो बीन्स को इस हाइड्रोपोनिक बास्केट में ट्रांसफ़र करे हुए अब 4 दिन हो गया है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इसकी शूट्स या इसमें से पत्तियाँ काफ़ी मात्रा में निकलने लगी हैं और इसकी लंबाई भी करीब अब 3 से 4 इंच हो गई होगी। तो मैंने इस बास्केट में जो नीचे वाली है उसमें इसको पानी से फिल कर दिया था और अब मैं इसको धूप में ले जा कर रख दूँगा। धूप में रखने से पहले इसमें मैं जो कॉफ़ी वाला लिक्विड खाद है उसको नीचे वाली बास्केट में डाल दूँगा, और कॉफ़ी वाला लिक्विड खाद कैसे बनाना है इसका वीडियो मैंने जो वीट ग्रास वाला वीडियो बनाया था उसमें पहले वो तरीका बताया हुआ है। आप चाहें तो उस वीडियो को वीट ग्रास वाले ऊपर दिए हुए लिंक में जाके देख सकते हैं, या उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा जहां से आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब मैं इस बास्केट को धूप में ले जाके रख दूंगा जहां पर ये आगे ग्रो होता रहेगा।
और फिर आप इसका यूज़ अपने किचन में या तो सब्जियों या किसी अन्य रेसिपी में कर सकते हैं। नमी को बनाए रखने के लिए आप इसमें बीच बीच में पानी देते रहें ताकि इसकी जो स्प्राउट है उसकी ग्रोथ होती रहे। तो अब मैंने चने या चिकपी की हाइड्रोपोनिक बास्केट को धूप में रख दिया है और यहाँ पर ये एक सप्ताह और रहेगी, तब तक ये चने आपके किचन में इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप भी बड़ी आसानी से हाइड्रोपोनिक तरीके से बगैर मिट्टी के या विदाउट सॉइल चने को लगा सकते हैं और फिर उसका उपयोग माइक्रोग्रीन वेजिटेबल के रूप में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने घर में हाइड्रोपोनिक तरीके से बगैर मिट्टी के माइक्रोग्रीन चने को जरूर लगाइए और उसका सेवन कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन रहते हैं और ये आपकी हेल्थ को बहुत फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो इस गार्बन्जो बीन्स या चिक पीस को इस बकेट में ट्रांसफ़र करने के बाद ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं नीचे इसकी रूट्स दिख रही होंगी और नीचे वाली बकेट में मैंने पानी भर दिया था। इसको इस बकेट में ट्रांसफ़र करे हुए 7 दिन हो गए हैं। तो इस तरीके से ये बगैर मिट्टी या सोइललेस तरीके से इसमें चना या गार्बन्जो बीन्स बड़ी तेज़ी से ग्रो होते हैं और ये बहुत ही आसान तरीका है। आप चाहें तो कम स्पेस में भी इस तरीके से चने या गार्बन्जो बीन्स का उत्पादन अपने घर में ले सकते हैं और इन लीव्स का सेवन आप अपने भोजन में कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी न्यूट्रिशन रहता है और ये काफ़ी टेस्टी भी रहती है। तो गार्बन्जो बीन्स या चने को बगैर मिट्टी के लगाने वाले तरीका आपको कैसा लगा? आशा करता हूँ ये तरीका आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में इस वीडियो को अन्य गार्डनिंग करने वालों से शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने का लिंक नीचे दिया हुआ है और जब आप सब्सक्राइब करें तो जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करें। मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपने घर में गार्डनिंग करते रहिए।